राज मशहूर गीतकार शैलेंद्र का 94वां जन्मदिन है। 50 साल से ज्यादा हो गए हैं, दो पीढ़ियों ने शैलेंद्र को सुना भी नहीं, मगर जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि कठिन भावनाओं को सरल भाषा में व्यक्त करना और उसे जीवन की सीख के रूप में गीत की शक्ल देना सिर्फ और सिर्फ शैलेंद्र के बस की बात थी। दुनिया वालों की नजरों में वो भले ही खुद को अनाड़ी समझते रहे, लेकिन दुनिया उन्हें हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा गीतकार मानती है। मजरूह सुल्तानपुरी साहब, जो कि खुद एक बहुत बड़े सॉन्ग राइटर थे, उन्होंने एक मरतबा मुझसे एक बात कही थी कि देखो, हम लोग जो हैं, हम लोग शायर हैं जो गाने लिख देते हैं, अगर गीतकार कोई है असल में तो सिर्फ एक है, उसका नाम है शैलेंद्र। वो गीतकार है, वो गीत लिखता है। जो कहना है वही कहेंगे, कोई भी हर तरह का समझौता कर लेंगे, हर तरह की बात मान लेंगे, कुछ भी करेंगे, ऐसा नहीं। तो ये बात बात तक उनमें बनी रही। शैलेंद्र ने लिखना तो उसी वक्त शुरू कर दिया था जब वो मथुरा में 10वीं की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कलमकारी जीविका का जरिया बने ये शैलेंद्र को गवारा नहीं था। तब शैलेंद्र गीतकार शैलेंद्र न होकर शंकरदास केसरी लाल हुआ करते थे। मथुरा में वो कभी कभी थोड़ी बहुत कविता लिखते थे और हॉकी भी खेला करते थे। वो बहुत गरीब फैमिली उनकी थी, तो किसी ने बोल दिया कि घर में खाने को पैसे नहीं है और ये हॉकी खेल रहे हैं, और उन्होंने कास्ट के बारे में कुछ बोल के ये कहा था। वो बाबा को बात इतनी बुरी लगी कि उन्होंने उसी वक्त अपने घुटने पे हॉकी तोड़ी और अगली ट्रेन लेके वो मथुरा से बॉम्बे आ गए और बॉम्बे में माटुंगा वर्कशॉप में अप्रेंटिस के तौर पे उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। और शरीफी के साथ टॉप 10 खबरों में इतना ही, लेकिन खबरों को और विस्तार से जानने के लिए आप न्यूज नेशन की वेबसाइट www.newsnation.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज से भी आप जुड़ सकते हैं, न्यूज नेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर जरूरी खबर के लिए न्यूज नेशन के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। पल पल की ताजा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।